What's up guys, welcome back to FitMuscleTV. आज का जो वीडियो है फुल डे ऑफ ईटिंग होने वाला है. मैंने आज तक कभी नहीं किया, मेरे को रिक्वेस्ट बहुत सारी आ रही थी. एंड दिस वीडियो आई शो मील बाय मील व्हाट आई ईट. ये आप पूछेंगे अगर कि वेट लॉस है कि मसल बिल्डिंग है, एक मसल बिल्डिंग डाइट है, क्योंकि वेट लॉस अभी नहीं कर रहा मैं. तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है मसल बिल्ड करने में, पुट ऑन करने में, उनको चाहिए कि क्या क्या खाते हैं और क्या क्या खाते नहीं. मैं इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से खाते, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है और वो कोई नहीं बताता आपको. कि अगर आपने किसी से डाइट बनवा भी ली अपनी, तो वो आपको बता देगा 250 ग्राम चिकन, 300 ग्राम चिकन, इतना स्वीट पोटैटो. लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है ज़्यादा टाइम तक चल सके. और मैं तो क्या करता हूँ कि एक ही बार सोचता हूँ कि बना लूँ ताकि वो दिन भर चले. उससे क्या है कि थोड़ा आपका टाइम सेव होता है. अगर आपको दिन के 6 मील खाने हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, देर इज़ नो वे कि आप किचन में जाके 6 बार कुक कर सकते हैं या कोई भी आपके लिए और 6 बार कुक कर सकता है. हाँ, अगर आप बाहर से किसी से टिफिन मंगवाते तो बात अलग है, बट देन द चार्जेस आर सो मच कि यार आप भूल जाइए, इतना आपको बॉम्ब हो जाएगा वो. सो आज शुरू करते हैं अपना दिन. पहला मील लेंगे, अभी मैं सो के उठा हूँ, इट्स बीन हाफ एन आवर. फर्स्ट मील ऑफ द डे आई टेक अ प्रोटीन शेक. कभी कभी मैं नहीं भी लेता, डायरेक्ट मैं एग्स खा लेता हूँ. बट रीज़न क्या है, आई टेल यू व्हाट आई डू यूजुअली एंड नॉट कि कभी कभी क्या चेंजेस करता हूँ. यूजुअली मेरी फ्लाइट रहती है सुबह सुबह, अगर मैं उठता हूँ 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, या आप लोग भी काम पे जाते हैं सुबह, टाइम कम होता है, यू डोंट हैव टाइम टू सिट डाउन अपना पूरा अपना 56 भोग लगा के अपना मील ले. नहीं, तो फर्स्ट मील मैं ले लेता हूँ अपना शेक. शेक में मैं क्या डालता हूँ आपको दिखाऊंगा मैं. और दैट्स माई फर्स्ट मील. वो चल जाता है तकरीबन 1 घंटे तक, आराम से आपका निकल जाएगा काम. उसके बाद जो मील्स पैक्ड है मेरे, रात को बना लेता हूँ मैं, वो मैं लेके चला जाता हूँ, खाता हूँ मैं. एंड दैट यूजुअली दैट हाउ आई स्टार्ट माई डे. और चाय भी होती है साथ में. स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, मैं भी क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगा एंड बहुत थोड़ा सा मैं इसमें मिल्क डालूंगा. मिल्क मैं सिर्फ इसीलिए डाल रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह है. आई कैन टेक दैट लेवरेज ऑफ यूजिंग मिल्क बिकॉज दैट गिव्स अ लिटिल क्रीमी टेक्सचर, थोड़ा सा इसको ठीक कर देता है और ये थोड़ा टेस्टी लगता है. फिर इसमें डालूंगा मैं 3/4 बनाना. सो गाइस, ये तो हो गया अपना मील नंबर 1. इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिए. यहाँ नहीं बता रहा काम का वीडियो लंबा होगा. मैं इस वीडियो को बहुत कॉम्पैक्ट रखना चाहता हूँ, टक टक टक, ताकि कभी भी आपको दिक्कत आप इसको रेफर कर सकें. और इसके साथ अगर आप चाय पीना चाहें, चाय पी सकते हैं. और मैं तो चाय जरूर पीता हूँ इसके साथ, क्योंकि जब अंडे खाते हैं उसके साथ तो मेरी गिवन है ही है कि है तो डाइट में ही है. तो आई गेट 1 मोर कप ऑफ चाय बना रही मेरी चुपचाप फटाफट. और गाइस वेलकम बैक. अब टाइम है मील नंबर 2 का. अभी आप देख सकते हैं कि दीज आर माई एग्स, दीज आर हेंस एग्स बेसिकली. सो दिस इज 8 egg whites एंड 2 yellow. इसको मैं कुक करूँगा, साथ में मैं कुक करूँगा ओट्स. ओट्स यूजली मैं 80 grams खाता था जब मैं कॉन्टेस्ट की तैयारी करता था, बट अभी क्या है, आई डू नॉट नीड सो मच ऑफ एनर्जी. इसीलिए मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मच योर बॉडी नीड्स. और बहुत लोग इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज रहते हैं कि कितना लेना है. बहुत लोग मुझे ईमेल लिखते हैं कि आप मेरी डाइट डिज़ाइन कर दीजिए, और मैं उनको ये लिखता हूँ कि यार बिना आपको देखे, बिना आपको ऊपर से नीचे आपका बॉडी स्ट्रक्चर देखे, बिना जाने कि कैसे रिएक्ट करता है वर्कआउट्स का, इट इज़ इम्पॉसिबल. सो मैं कहता हूँ जब मैं कॉम्पिटिशन करता था तो मैं 100 ग्राम तो ओट्स खाता था, 80 ग्राम रेगुलर था. ऑन माई हाई कार्ब्स आई हैव टू ईट 100 grams ऑफ ओट्स इन 1 sitting. अभी मैं सिर्फ 50 ग्राम खाता हूँ बिकॉज दैट्स हाउ मच आई नीड. माई वर्कआउट्स आर नॉट दैट लेवल इंटेंस. मैंने गो मैं जरूर फाड़ के करता हूँ, बट स्टिल नॉट दैट लेवल इंटेंस लाइक बैक टू बैक. हफ्ते में आई गो 3 days, 4 days a week मैक्सिमम. आई ट्राई टू गो 4 days a week, बट कभी कभी तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही हो पाता है. स्पेशली जनवरी हैज़ बीन सो टाइट फॉर मी कि आज जनवरी में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. सो 50 ग्राम ओट्स बनाएंगे. कैसे मैं कुक कर रहा हूँ उसकी अगर डिटेल रेसिपीज भी चाहिए आपको, कॉमेंट सेक्शन में बताना भाई. आई विल मेक अ फुल वीडियो कि इसी चीज़ को आप टेस्टी कैसे बना सकते हैं. स्पेशली आप वेरी गुड रेसिपी फॉर चिकन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना नीचे. तो गाइस, ओट्स में डालने के लिए मैंने थोड़ा सा सिनेमन दालचीनी कूटी है, बिकॉज घर पे पिसी हुई खत्म हो गई थी इसलिए मैंने हाथ से कूटी है खड़ी वाली. तो मेरा अच्छा खासा वर्कआउट हो गया है, 4 arms का और शोल्डर्स का, बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है फ्रेश की. गाइस आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं आज तक शुगर फ्री डालता रहा था अपने ओट्स में, बट अभी मैं जैगरी का इस्तेमाल करता हूँ, गुड़ का इस्तेमाल करता हूँ. गुड़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके. इट इज़ नॉट एज बैड एज शुगर. इट इज़ नॉट बैड एक्चुअली, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. शुगर इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. गर्म पानी उबला हुआ तो गुड़ इसमें घुल के मिक्स हो जाएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका. स्पेशली जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, पोल्यूशन बहुत है आजकल, गुड़ पोल्यूशन को काटता है. सो गाइस, ओट्स ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा, काफ़ी ठीक हो चुका है. इसको मैं गैस बंद कर दूँगा, उसके बाद थोड़े ठंडे होते और थोड़ा ठीक हो जाएंगे. जब तक हमारे ओट्स ठंडे होते हैं विल कुक आर एग्स.
गाइस ये अपना मील नंबर 2 8 एग वाइट्स 2 येलो 50 ग्राम ऑफ ओट्स और अब मैं करूंगा यहां बैठ के थोड़ी एडिटिंग एक व्लॉग है जो मुझे आज शाम को डालना है उसको कंप्लीट करना है मैंने एंड जब मील 3 की बारी आएगी वो हम खाएंगे मील 3 खा के हम जिम करेंगे एंड जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिए साथ ही साथ एंड में चेक करिए सारी डिटेल्स कितना प्रोटीन कार्ब्स फैट्स कितना ले रहा हूं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सो गाइस ओट्स हो चुके हैं हमारे तैयार अब ओट्स में मैंने डाला है क्या कहते हैं पाइनएप्पल थोड़ा सा चीकू और केला डाल दिया है एंड दैट्स इट और कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी है इट्स इनफ फॉर मी टू फिल मी अप तो ये हमारा मील नंबर 2 कंप्लीट सो गाइस अब प्रिपेयर करते हैं अपना दूसरा मील उसके लिए मैंने 21 ओन्स चिकन निकाल के रख दिया सो आई ईट चिकन 3 टाइम्स अ डे 7 ओन्स एक ओन्स कितना होता है 29 ग्राम्स रफली आप 30 ग्राम पकड़ सकते हैं आई हैव मेजर आउट माय चिकन 21 ओन्स बना दिया मैंने और एक ही बार में सारा मैं इसको कुक कर दूंगा मैरिनेट करके जब तक मैं इसको मैरिनेट करता कुक करता हूं टाइम लैप्स एंजॉय करिए थोड़ा लेट हो गया मेरे को बिकॉज़ आई वाज डूइंग अ वीडियो फॉर माय अदर चैनल फ्लाइंग बीस्ट उस पे भी डाला है सो गाइस अब एक प्री वर्कआउट एक्चुअली क्या था जो मेरा मील था वर्कआउट के पहले वो मैंने कंप्लीट कर लिया आपको दिखा नहीं पाया बट आई शो यू व्हाट आई हैव ईटन इन दैट मील क्योंकि घर पे कोई आ गया था मेरे को कंपनी देने के उनके साथ बैठना पड़ा बट एनीवेज आई विल शो यू दैट मील आल्सो बट उसके पहले अपना जो प्री वर्कआउट मील है वो रेडी कर लेते हैं सो गाइस ये तो मेरा हुआ इंटर वर्कआउट जिसमें मैं BCAA अपना यूज़ कर रहा हूँ एक स्कूप मैंने डाला है इसमें BCAA और ये मेरा पोस्ट वर्कआउट वर्कआउट के बाद तुरंत लेता हूँ मैं दिस इज़ वे प्रोटीन आइसोलेट आप कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर सकते हैं अगर आप हार्ड कोर जिमर नहीं है या अगर आपको बहुत ही एक रिप बॉडी या एक कॉम्पिटिशन टाइप या एक मसल बॉडी या इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम योर फिजिक यू कैन यूज़ वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट सिंपल ठीक है उसके साथ मैं ऐड करूँगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और इसको मिला के पानी के साथ में वर्कआउट के बाद तुरंत ले लूँगा सो जस्ट 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट इज गुड इनफ एंड दिस इज माई स्टैक इसमें अगर आप ग्लूटामिन डालना चाहते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट हैं वही बात है इफ़ यू वांट इफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम योर फिजिक यू कैन ऐड 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिन अदरवाइज जो BCAA है और ग्लूटामिन है वो वे में ऑलरेडी होता है हर वे में होता है सो यू डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू बी फिट तो वैसे आप बात कर लेते हैं मेरे मील्स की जो मैंने मील्स लिया था अभी जो मैंने मील लिया था जो आपको नहीं दिखा पाया उसमें था 7 ओन्स चिकन क्योंकि मैंने 21 बनाया था 333 7 ओन्स चिकन 7 ओन्स स्वीट पोटेटो और थोड़ी सी सब्जी थी सब्जी क्या मैं अब खुद नहीं बनाता जो घर पर बन रही होती है वही सब्जी मैं खा लेता हूँ बस मेरे घर वाले भी जो है थोड़ा कम तेल का खाते हैं थोड़ा सा हेल्दी कुकिंग होती है अब जैसे एक सब्जी मेरे घर पर बनी हुई है ग्रीन बीन्स की तो मैं ये यूज़ करूँगा चिकन मैंने बना के रखा था मैं ये यूज़ करूँगा और ये रहा मेरा स्वीट पोटेटो सो मोस्टली मैं क्या करता हूँ अभी मैं एक मील और खाऊंगा और एक मील मेरा कल का ऑलमोस्ट रेडी है जो मैं फ्लाइट पे लेके जाऊंगा सो लेट मी शो यू मैं मील प्लानिंग कैसे करता हूँ मेरा मील रेडी है 7 ओन्स चिकन ऑलमोस्ट 7 ओन्स चिकन है स्वीट पोटेटो 7 ओन्स और थोड़ी सी वेजीज सो दिस इज़ अ परफेक्ट मील बीच में इसके साथ मैं थोड़े से फैट्स भी खाऊंगा आपको लग रहा है कि इस चिकन में ग्रेवी कैसी है बिकॉज मैंने इसे आज मैं घर पे था मेरे को जब मैं कैरी करता हूँ तो आई कुक माई चिकन लिटिल मोर ड्राई जब मैं घर पे होता हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल देता हूँ लहसुन भी डाल देता हूँ और टमाटर डाल देता हूँ टमाटर से क्या है उसकी ग्रेवी हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है इसका डाउन साइड ये कि इसको मैं रखूँगा फ्रिज में और कल इसको मैं ठंडा ही खाऊंगा सो दैट इज़ वन डाउन साइड हॉट मील्स मेरे को अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आप नहीं खा सकते सो दिस इज़ इट अभी हम जा रहे हैं जिम से आके एक छोटा सा मील और खाएंगे चिकन का और उसके बाद रात को आई थिंक अभी थोड़ा लेट हो गया सो आई वोंट हैव टाइम टू मेक अनदर मील तो मैं केसीन प्रोटीन का प्रयोग करूँगा केसीन के साथ 3 ग्राम फिश ऑयल भी खाएंगे और एट गाइस सो अब हम पी रहे लास्ट मील ऑफ द डे विच इज़ केसीन केसीन थोड़ा थिक रहता है इसलिए आपके पेट में रात भर रहेगा आपको रात भर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो देता रहेगा बना ही इसीलिए है केसीन प्रोटीन और अगर आप केसीन नहीं ले सकते या नहीं अफोर्ड कर सकते आपका बजट आउट जा रहा है तो आप रात को कुछ भी ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिसके साथ फैट्स ज़्यादा हो ताकि उसका डाइजेशन थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में हो जाए कंट्रोल्ड रिलीज हो जाए आपके अमीनो एसिड्स के तो आप पनीर भी खा सकते हैं पनीर में काफ़ी फैट होता है बाहर तरह से US में तो लोग प्रेफर करते हैं रेड मीट खाना बट हम लोग तो रिस्ट्रिक्शन है कि रेड मीट खा नहीं सकते फिश ऑयल भी मैं 3 ग्राम लूँगा इसके साथ सोने के पहले आई स्टिल हैव अबाउट हाफ एन आवर बिफोर आई गो टू बेड जिम से आने के बाद मैंने जो लेके गया था वो मैंने पिया अपना
प्रोटीन शेक और BCAA. जिम के बाद कार्ब्स अगर आप पूछते हैं, लू की नालू आप ले सकते हैं, मैं भी ले जाता हूँ अब, बट अब मैं नहीं लेता क्योंकि आई लाइक टू हैव माई कार्ब्स इंस्टेड विद अ मील. जैसे मैं स्वीट पोटैटो थोड़ा एक्स्ट्रा खा लूँगा तो मेरा ओवरऑल दिन का कार्ब सेम रहता है. बस जो मेरे मील्स होते हैं चिकन मील्स होते हैं प्रीटी मच सेम होते हैं, चिकन एंड स्वीट. अभी सर्दियाँ चल रही हैं, आई प्रेफर हैविंग स्वीट पोटैटो, गर्मियों में इतना अवेलेबल नहीं होता तो फिर मैं वाइट राइस पे स्विच कर देता हूँ. जितना भी सप्लीमेंट स्टैक है जो मैंने रिकमेंड किया है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. इफ यू वांट टू बाय दैट यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड माई लिंक एंड वहाँ पर जाइए आप. 26% ऑफ आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस डे, नहीं रिपब्लिक डे सेल. सो 26% ऑफ, यू हैव टू टाइप द कोड गौरव 26 एंड आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट्स. मेरा जो रिकमेंडेड स्टैक है अगर मैं बताऊँ, मसल गेन के लिए वे प्रोटीन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, BCAA एंड केसीन, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट. ठीक है, अगर आप एडवांस में जाना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो एड ग्लूटामिन टू दिस और देन यू आर गुड टू गो. मेन होती है ट्रेनिंग, मेन होता है डाइट. सप्लीमेंट इज टू सपोर्ट to make a good shell around your system so that up strong. Thank you for watching this video guys. Bye bye, take care, namaskar, alvida.